मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल हो गई है। ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी जानकारी, इसी को लेकर याचिका दी गई थी और अब ये बड़ी खबर आई है कि मोहम्मद फैजल की जो सदस्यता है उसे बहाल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राहत मिली है? हाँ बिल्कुल, बड़ी राहत है और राहुल गांधी वाले लिहाज से ये बड़ी खबर है जी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद से ये मामला कहीं ना कहीं चर्चा में आया कि मोहम्मद फैजल की सदस्यता को कोर्ट ने उनके चुनाव को जब होल्ड कर दिया था, उनका बाई इलेक्शन में उनके सीट पर अनाउंस हो गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद कोर्ट से उनको राहत मिली, कोर्ट से राहत मिलने के बाद अभी तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई थी। तो इस सवाल को कहीं ना कहीं इस बीच में उठाया गया और ये सवाल मोहम्मद फैजल की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से भी स्पीकर के पास लेके गया। अब जाकर उस चीज को बहाल किया गया, तो इससे आप राहुल गांधी के मामले को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती है, अभी तक कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं गई है, अगर कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती है तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी को अगर कोई राहत मिलती है सजा से, तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता भी दोबारा बहाल हो सकती है लोकसभा की, जो फिलहाल उसको कहीं ना कहीं सदस्यता को रद्द किया है लोकसभा ने और उनका घर को जो नोटिस मिला है घर खाली करने का, ये सिस्टम के तहत है। लेकिन अगर जैसे ही चुनाव उनको राहत मिलता है कोर्ट से, अगर कोर्ट उनकी पार्टी जाती है, सेशन कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और राहत मिलते ही तुरंत इस चीज बहाल होगा, तो ये मोहम्मद फैजल का मामला अगर देखा जाए तो गौर करके इसको राहुल गांधी से देखना पड़ेगा जी। अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरविंद, बताइए आप क्या इसमें और बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे किस तरह से अंजाम दिया जाता है? इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए मामला पाता, उससे पहले ही मेंबरशिप बहाल कर दी गई है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरीके से मामला इंफेक्चुअस हो गया है। और मोहम्मद फैजल का यही कहना था कि उन्हें इस मामले में सजा हुई, 10 साल की सजा हुई, इस वजह से उनकी मेंबरशिप चली गई, सदस्यता गई। और उसके बाद की हाईकोर्ट ने जनवरी में ही सजा पर रोक के साथ साथ जो दोषी ठहराए जाने वाला जो फैसला है, यानी कन्विक्शन वाला जो फैसला है, उस पर भी रोक लगा दी थी। तो ऐसी सूरत में उनकी मेंबरशिप बहाल होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने अपना पुराना आदेश वापस नहीं लिया है। तो फैजल की तरफ से याचिका में कहा गया था कि एक जनप्रतिनिधि है, वो एक संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी सूरत में ये न केवल उनके मौलिक अधिकार का हनन है बल्कि उन वोटों और ये वही नोटिफिकेशन अरविंद हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि उनकी जो सदस्यता है उसे बहाल कर लिया गया है। धन्यवाद आपका अरविंद हमारे साथ जुड़े।